नमस्कार, आपका स्वागत है। तो ये वाला टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, एक्चुअली जैसे कि पिन मैसेज में मैंने डाला हुआ है, एक बुक कवर कर रही हूँ मैं। मोपला जो वो हुआ था, मोपला में जो हिंदूज के साथ हुआ था, उसके ऊपर एक पूरी बुक है जिसको मैं कवर कर रही हूँ। तो उस बुक के इस सेकंड पार्ट में जो है एक स्टोरी आई थी, जिस स्टोरी में ये बताया गया था, उस बुक में ये स्टोरी यानी कि ये रेफरेंस दी गई थी कि वहाँ का जो केरला के जो एक किंग थे, वो जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। और अगर आपको याद होगा कि आप नॉर्मली जो तारिक फतेह है, तारिक फतेह ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दी है ये बात, और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी वो केरला में बनी थी, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो मैंने जब कुछ लोगों से, मैं एक्चुअली रीज़न ढूंढ रही थी कि वो जो किंग थे वो क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए कि वो क्यों कन्वर्ट हो गए थे। तो जब मैं रीज़न ढूंढ रही थी इसकी, और कुछ मेरे ट्विटर पे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली स्टोरी गलत है। मतलब उसके ऊपर दो तीन जो तरह के जो लोग हैं वो उस किंग पे, जिनका नाम चेना करके था, मैं सॉरी उनका नाम भूल रही हूँ, किंग का आगे आएगा इस आर्टिकल में। तो मैंने जब उनसे पूछा, जो कि पर्टिकुलरली केरला के हैं और वहाँ के ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स को के वो ट्वीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी। मैंने तो उन्होंने मुझे ये आर्टिकल का ना लिंक दिया, उन्होंने बोला कि ये आप आर्टिकल पढ़िए। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं किसी तरह की हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ जब एक बुक पढ़ती हूँ तो उसके जो रेफरेंसेस है उसको चेक करती हूँ। जो मैंने हमेशा ही बोला कि इवन दो आप किसी को सुनो, आप कोई बुक पढ़ो, उसके रेफरेंसेस जो है वो क्रॉस चेक जरूर करो। तो उस बुक में जो एक डच ऑथर है, उस बुक का रेफरेंस दिया गया था। तो जब मैं वो डच ऑथर की बुक का रेफरेंस ढूंढने गई, तो उस डच ऑथर की बुक एक्चुअली बहुत बढ़िया है, उसके दो तीन वॉल्यूम्स है। तो तीन वॉल्यूम में एक स्टोरी को चेक करने के लिए तो पढ़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने कई लोगों से रेफरेंसेस पूछे, तो उनमें से एक ने कहा कि नहीं, ये जो स्टोरी है कि जो मुस्लिम जो जो हिंदू राजा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में, ये स्टोरी एक्चुअली बनाई गई है। तो मुझे एक्चुअली सच्चाई नहीं पता, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ये दोनों साइड की बात जो है वो रख रही हूँ। जैसे कि इस स्ट्रीम में जो मैंने लिंक में डाली हुई है, इस स्ट्रीम में जो है उस राजा के इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात लिखी गई है एक बुक में, और ये जो आर्टिकल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इसमें एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की गई है, जिसमें पाया गया कि वो जो किंग थे वो कैलाश चले गए थे, वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो समझते हैं इस आर्टिकल में एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि जितनी भी ये जो क्लेम्स किए जाते हैं कि हाँ हिंदू जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे थे, वो इस वजह से कन्वर्ट हो गए कि इस्लाम को ग्लोरीफाई किया जाता, तो कहीं ना कहीं हमें सच्चाई भी जाननी पड़ेगी उन चीजों के पीछे। क्या वो हिस्ट्री जो है वो हमें बताई गई है जिस तरह से, वो सच है या नहीं है? केरला हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ सेक्युलरिज्म बाय मेनी, द लैंड वेयर वेरियस रिलीजन्स कोएग्जिस्टेड पीसफुली, स्पेशली हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इवन टूडे मैनी केरलाइट्स टेक प्राइड इन बींग सेकुलर एंड अबाउट देयर सेकुलर पास्ट। दे से दैट अनलाइक इन नॉर्थ इंडिया वेयर देयर वॉज इंटेंस कंफ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, इन केरला दे को एग्जिस्टेड पीसफुली। मैनी हिस्टोरियंस ऑल्सो हैव द व्यू दैट थ्रू आउट हिस्ट्री केरला वॉज अ लैंड ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बट हाउ ट्रू इज दिस नोशन? दिस पोस्ट एनालिसिस बाय हिंदू मुस्लिम रिलेशन इन केरला फ्रॉम अर्ली पीरियड, यानी कि ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम की जो वहां पे को एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा गया। अर्ली कनेक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन केरला starts from the arrival of Islam in Kerala through Arab traders। और इस लाइन को मैं बता दूं, ये लाइन जो मैंने इस लिंक में जो है वो जो मैं बुक कर रही हूँ उसमें एग्जैक्टली ये बताई गई है कि जो अरब ट्रेडर्स आते थे वहां पे, वहां से मुस्लिम और हिंदू का जो एक वो कनेक्शन है वो स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, रिगार्डिंग द कमिंग ऑफ इस्लाम इन केरला, मैनी आर ऑफ ओपिनियन दैट लास्ट चेरा किंग नेम्ड चेरामनम पेरुमल कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय अरब कॉन्टैक्ट्स एंड वेंट टू अरेबिया फॉर पिलग्रिमेज आफ्टर डिवाइडिंग द किंगडम इन टू द वेरियस लोकल चीफ्स एज पर द बिलीफ ऑफ केरला मुस्लिम ही इज सेड टू हैव मेट द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद लेटर लेटर इन अरेबिया. चेरामन जुमा जुमा मस्जिद एट कोंडुगलूर द फॉर्मर कैपिटल ऑफ चेरा किंगडम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मोस्क एवर टू बी बिल्ट इन इंडिया बाय द एडवाइस ऑफ चेरामन पेरुमल एंड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्क इन द वर्ल्ड. तो ये जो बात है, ये एक्चुअली जो मैंने स्ट्रीम जो बुक कवर कर रही हूँ उसमें ये बात एग्जैक्टली ऐसे ही कही गई है. और इस बात का जो कंटेक्स्ट है वो बता दूं मैं, वो इंडियन ऑथर की बुक से नहीं आता है, वो एक डच ऑथर है जिनकी बुक से ये रेफरेंस बार बार आता है. वो जो डच ऑथर है उनकी भी बुक का रेफरेंस, उनकी उसका जो फ्रंट पेज है मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी जब मैं इस वीडियो का लिंक डालूंगी तो. ठीक है, तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, जो वो चेरा किंग थे, जो लास्ट चेरा किंग थे, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है चेरामन पेरुमल, ये कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में. अब इस फैक्ट के बारे में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ था या नहीं हुआ था. आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अपनी वॉइस के बारे में नहीं पता चल रहा. ओके, आगे. हाउएवर एज पर केरलास वेटरन हिस्टोरियन एम जी एस नारायणन, द बेस ऑफ दिस मॉस्क इज ओनली डेटेड टू 12th सेंचुरी विच इज वे आफ्टर द टाइम ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद. तो आपने ऊपर देखा कि केरला के बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो चेरामन के जो है वो अरेबिया में जाने के और प्रॉफिट मोहम्मद से मिलने की बात करते हैं, लेकिन केरला के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है एम जी एस नारायणन, वो कहते हैं कि ये जो मॉस्क बनी है ये 12वीं शताब्दी में बनी है, जो कि बहुत बाद में है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम के. विच इज वे आफ्टर द टाइम ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद. एम जी एस डस होल्ड द व्यू दैट द लास्ट चेरा चेरा पेरुमल कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग 12th सेंचुरी, बट वी कैन नॉट एग्री विद दिस व्यू सिंस देर इज नो डायरेक्ट एविडेंस फॉर द स्टेटमेंट दैट द पेरुमल कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 12th सेंचुरी. अब ये कह रहे हैं, ये जो कहा जाता है कि जो पेरुमल है वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, बस कही कहाई बातों को जो है वो लोगों ने एक नैरेटिव बना दिया और वो सुनी सुनाई बातों का को बुक्स में भी लिख दिया लोगों ने, मतलब ऑथर्स ने बुक्स में भी लिख दिया. इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो तो उसके रेफरेंसेस जो है, बेसिकली जो बिब्लियोग्राफी होती है उसको रीचेक किया कीजिए. ओके, क्योंकि हमें नहीं पता होता उस जो उस पर्सन ने बुक लिखी है उसने किस बायस के साथ लिखी है. मैं हमेशा बोलती हूँ हर पर्सन का अपना अपना बायस होता है, उससे कोई भी ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग मी जो है, हम अपनी बायस को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं. आगे वो लिखते हैं, जो 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 हिस्टोरियन है वो कहते हैं, इनफैक्ट वी हैव एविडेंस फ्रॉम कंटेम्पररी चोला रेलिंग दैट द लास्ट पेरुमल हु इज काउंटेड एज अमंग द 63 नाइनर्स और शेवाइट भक्ति सेंट्स वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू कैलाशा अलोंग विद क्लोज फ्रेंड सुंदरर आफ्टर फोरसेकिंग हिज किंगशिप एज नरेटेड इन 12th सेंचुरी तमिल वर्क पेरिया पेरुनामा बाय भक्ति पोएट शेखीजर विच डिटेल्स लाइफ ऑफ शैव सेंट. दिस इज चोला एरा म्यूरल इन थंजावुर. मैं नाम जो है वो शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे वो नाम प्रोनाउंसिएशन में मुझे पता नहीं है वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. थंजावुर वरा टेम्पल वियर दिस एपिसोड इज डिपिक्टेड इज दस डेटेड टू चेला
चोला पीरियड। अब ये कह रहे हैं कि जो पेरूमल का एक क्लेम किया जाता है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, जबकि उनका अपने जो ऑफिसर्स थे उनके बीच में अपनी जो वेल्थ है उसको डिवाइड करने के बाद उनका जो है वो कैलाश चले जा, कैलाश में मतलब एक भक्ति सेंट्स यानी कि भक्ति की भाव में जो कहते हैं ना कि संन्यास ले लेना, तो संन्यास इस चीज का जो है वो चोला पीरियड में जो है इसका रेफरेंस मिलता है 12th सेंचुरी में। तो ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो कैलाश चले गए इसका रेफरेंस है। और इसमें बताया गया है कि एक मंदिर का नाम लिखा है, अगर यहाँ पे कोई साउथ से है तो उनको इस टेम्पल के बारे में पता होगा। उस टेम्पल में एक दीवार पे जो पेरुमल है, चेरा पेरुमल, उनकी जो है वो डिपिक्ट की गई है कि वो जो है वो कैलाश जा रहे हैं संन्यास लेने के बाद। तो ये पिक जो है ये देखिए, ये पिक देखिए, ये आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये जो काफी सारे लोग हैं और हाथ में जो है इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको बजाते हुए ये डिपिक्ट किया गया है कि ये जो है कैलाश जा रहे हैं। ओके, ये देखिए घोड़े के ऊपर ये कैलाश जा रहे हैं, उनके साथ जो है वो काफी सारे लोग वो ढोल वगैरह बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जा रहे हैं कैलाश की तरफ। और जो पेरुमल है वो जो चेरा पेरुमल है वो घोड़े पे जा रहे हैं। चेरा चेरा मन पेरुमल नयनर असेंडिंग कैलाशा पेंटिंग फ्रॉम दिस टेम्पल सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स का जो लिंक है वो भी डाल दिया गया, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जब मैं आर्टिकल कंप्लीट कर लेती हूँ या कोई भी स्ट्रीम खत्म करती हूँ उसके कुछ टाइम बाद जो भी मैंने जो जो भी मैंने प्रेजेंट की होती है रेफरेंसेस उसका लिंक जो है वो बिन मैसेज में डाल देती हूँ, तो बाद में जाके इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो हमें ये पता चला है कि उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने का कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ उनके कैलाश जाने का जरूर रेफरेंस है। तो जो मैंने ये यहाँ पे लिंक डाला है अपनी ही जो मैं बुक कवर कर रही हूँ उसको मैंने क्रॉस चेक कर दिया, यानी कि आपके पास जो मैं बुक कर रही हूँ उसमें ये कहा गया है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, जो मैं आज आर्टिकल पढ़ रही हूँ उसमें ये रेफरेंस दी गई है कि वो जो है वो कैलाश चले गए। अब मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है, क्योंकि पर्सनली मैं हिस्टोरियन नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि हिस्टोरियन किस क्या क्या स्टेप्स लेते हैं कि वो क्रॉस चेक करते हैं। तो ये आप लोगों पे है कि आप लोग खुद से और रिसर्च करिए, अगर मुझे कोई और रेफरेंस मिलती है रिसर्च करके किसी उनकी कैलाश जाने के या उनके इस्लाम कन्वर्ट होने पे, तो वो भी मैं प्रेजेंट करूंगी। यानी कि मैं दोनों साइड की बात मैंने आपके आगे रख दी है, आगे पढ़ते हैं। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट लेजेंड ऑफ शेवाइट चेरा पेरुमल वाज आल्सो वाइड स्प्रेड इन नेबरिंग चोला किंगडम। द लेटर इस्लामिक लेजेंड अबाउट द कन्वर्जन एंड पिलग्रिमेज ऑफ चेरा पेरुमलम टू अरेबिया कुड ओनली बी लेटर डे ट्विस्टेड वर्जन ऑफ ओरिजिनल शेवाइट लेजेंड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास एक टेम्पल में उनकी डिपिक्शन है कि वो कैलाश की में संन्यास के लिए गए थे, लेकिन उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने के कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई वो नहीं किया जा रहा एकदम, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो इसी तरह से समझी जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इस्लाम में कन्वर्ट होने और अरेबिया जाने का जो कहा जा रहा है इसको इस स्टोरी को, क्योंकि वो गए तो थे, वो कैलाश की तरफ गए थे इसकी बात तो है, अब इस चीज को उन्होंने ट्विस्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और अरेबिया गए थे, इसमें शायद हो सकता है कि लोगों ने ट्विस्ट कर दिया हो। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट देयर इज एग्जिस्ट अ लेजेंड अबाउट अनदर पेरुमल हु फर्स्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म नेम्ड पेलिवाना पेरुलम पेरुमल, सो इट इज लाइकली दैट द किंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन केरला हिस्ट्री एंड मैनी रिलीजियस सेक्ट्स क्लेम हिम एज देयर्स। अब यहाँ पे एक और बात है, ना ही सिर्फ इस्लाम
नहीं सिर्फ ये टेम्पल के अंदर डिपिक्शन है कि वो कैलाश की तरफ चले गए सेंट हूँ, यानी कि सेंट बनकर। तीसरा क्लेम और भी है उनके ऊपर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वहां के कहते हैं कि वो जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो समझ लीजिए कि तीन तीन लोगों के क्लेम है, जबकि दो की तो यहाँ पे बताया गया कि कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन उनके कैलाश जाने की रेफरेंस जो है वो एक टेम्पल में डिपिक्ट की गई है। द मोस्ट ब्रीफ ऑथेंटिक वाइड स्प्रेड एंड द अर्लियर अकाउंट ऑफ किंग इज ऑफ कोर्स फ्रॉम कंटेम्प्रेरी तमिल सोर्सेस ऑन चेरामन पेरुमल फ्रॉम 12th सेंचुरी तमिल वर्क पेरिया पूरनम। अब मैं ये यहाँ पे बता दूं, ये जो तमिल वर्क है ना पेरिया पूरनम, इसकी रेफरेंस पड़ी तो है मेरे पास, मतलब मुझे उन्होंने, जो मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे ये रेफरेंसेस दी तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे तमिल नहीं पढ़नी आती है, और उनको जो है वो हिंदी नहीं आती है, नहीं तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ और सारी रेफरेंसेस आपको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको हिंदी नहीं आती है और मुझे तमिल नहीं आती है, तो हम यहाँ पे कन्वर्स नहीं कर सकते। आगे, सो देर इज नो नीड टू गो बाय द लेटर डे मिथ लाइक पेरुमल कन्वर्टेड टू इनटू इस्लाम एंड बिल्ट मॉस्क। आर लाइकली इट इज पॉसिबल दैट इस्लाम गेन रूट इन केरला इन लेटर टाइम्स थ्रू अरब कॉन्टैक्ट्स एंड लोकल कन्वर्ट्स हु कॉल्ड देमसेल्फ मेपिलास और मोपलास। मोपलास की जो एग्जैक्ट वर्ड की मीनिंग है, हम वो पहले ही जो मैं बुक कवर कर रही हूँ जिसके लिंक में आप देख लीजिए, इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको पहले दो पार्ट्स में दिख जाएगा, उसमें बोपला का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बताया गया है, जवाई यानी कि बेटी का पति, यानी कि यहाँ पर आए और हिंदू गर्ल्स को अपने, हिंदू अरब जो आए थे उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी कर ली और यहाँ के जवाई बन गए, फिर उनके जो बच्चे हुए वो अपने आप को मोपला बोलते हैं। सुमु थीरी राजास ऑफ कैलिकट एंड मुस्लिम अपीजमेंट। अब आगे ये जो रेफरेंस है यहाँ पे खत्म होती है, अब आगे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में यहाँ पे बात होगी, क्योंकि केरलाइट्स बहुत ज्यादा अपने आप को मानते हैं कि वो वहां पे, हाँ उन्होंने हमेशा कोएग्जिस्टेंस की है दोनों रिलीजन्स ने, या चारों रिलीजन्स में जितने रिलीजन है बेसिकली हिंदू मुस्लिम्स है वहां पे बहुत ही आराम से कोएग्जिस्ट करते आ रहे, तो उसको हम डिकोड कर रहे हैं। तो कैलिकट के जो राजास थे और मुस्लिम अपीजमेंट हमेशा से हर सोसाइटी की प्रॉब्लम रही है, और इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो पुराने किंग्स को और पुराने राजाओं को जो, या उनको जो है वो हमेशा से ब्लेम करते आए हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ये मानना है कि जो राजा होते हैं, राजा का काम नहीं होता है कि वो जो सामने जो पार्टी है उसकी स्क्रिप्चर्स में आए या उनका रिलीजन क्या है उसके बारे में समझे, ये काम होता है सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स का। ओके, तो अगर सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं हमारे उस समय के, वो मैं उनको ज्यादा ब्लेम मानती हूँ उनका, बजाय कि जो राजा थे। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। द राइट टू कंडक्ट ममन कम और द नेशनल फेस्टिवल ऑफ मेडिवेर केरला वाज गिवन टू वेलु वोकोनराइट्स और वेलुनाड राजास ऑफ मलबार। द समुथरीज और जोनोरिन्स ऑफ कैलिकट फोर्सफुली एनेक्स रीजन्स ऑफ वेलुवनाड और ग्रैब द राइट टू कंडक्ट ममन कम फेस्टिवल एवरी 12th ईयर। दिस फेस्टिवल मस्ट हैव हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग अर्लियर चेरा पीरियड। आर रूलर्स ऑफ केरला एक्सेप्ट वेलुवनाड राजा सेंड फ्लैग्स ऑफ सबमिशन टू स्मूथिरीज ड्यूरिंग ममन कम। द वेलुवनाड राजा इंस्टेड सेंट हिंदू नायक सुसाइड फाइटर्स नेम शेवर्स टू असैसिनेट द समृथीज एंड क्लेम बैक द राइट टू कंडक्ट ममन कम। इट इज नोटेड दैट इट वॉज अ मुस्लिम हु परस्यूडेड द समृथीज टू इन्वेड
वेलुनवाट एंड अनेक्स द रीजन्स थस टर्निंग द नेशनल फेस्टिवल ऑफ केरला ममनकम इनटू ब्लडी बैटलफील्ड वेयर हंड्रेड्स नायर यूथ फॉट एंड पेरिश्ड द मुस्लिम लीडर हु पर्स्यूड स्मृति वर गिवन द टाइटल कैलिकट कोया एंड वाज अपॉइंटेड एज बॉडीगार्ड ऑफ स्मृति Always taking position to his right side. यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम है वहां पे किस तरह से उनकी जो लोकल फेस्टिवल्स है या लोकल कल्चर है उसके अंदर उन्होंने घुस गए, लेकिन जो हमारे क्योंकि हिंदू माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो इस तरह से सोचते नहीं है कि इनका अगर मतलब इनकी पूजा पद्धति या इनका जो एक इनका जो अपना अपनी प्रथा है उसको वो अलग नहीं मानते, लेकिन क्योंकि क्योंकि हमारे जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि उन्होंने एग्जैक्टली इन स्क्रिप्चर्स के बारे में अपने लोगों को बताया जाए या अपने राजाओं को जो है वो कहा, मतलब एक होता ना वार्निंग दी हो कि ये जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग हैं या ये आइडियोलॉजी के जो लोग हैं इनको अपीज करना जो है हमारे लिए हानिकारक होगा, ऐसा ऐसा मुझे कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं दिखता है। तो मैं राजाओं को जो है वो गलत नहीं मानती हूँ, मैं उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको गलत मानती हूँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। द स्मृतिज अलाउड आल्सो अलाउड द मुस्लिम टू सेटल डाउन एंड प्रीच द रिलीजन इन हिज किंगडम विद टोटल फ्रीडम अपार्ट फ्रॉम कैलिकट कोया द नेवल फोर्स ऑफ स्मृति वॉज ऑल्सो हेडेड बाई मुस्लिम एडमायरर्स हु हेल्ड हेरिडिटरी टाइटल नेम कुंजली मरकर्स fought with Portuguese along with other forces of Calicut. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से मुस्लिम आए वहां पे सेटल हो गए, उनको फ्रीडम दे दी रिलीजन प्लीज करने की, और फिर जो है उन्होंने एक जो उस किंगडम है उस किंगडम के जो नेवल फोर्स है वहां पे उन्होंने पूरी तरह से एक कहें कि हेडिंग कर ली या वो उसको पूरा हेड करने लग गए, और पोर्तुगीज के साथ भी ये लोग लड़े थे जब कैलिकट की फोर्सेस ने लड़ाई करी थी। तो यहाँ पे एक और बात मैं बार बार बोल रही हूँ जिसको लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे राजा की गलती नहीं है, क्योंकि राजा अकेला पॉलिसी मेकिंग नहीं करता था। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे पॉलिसी मेकिंग जो राज में जो उनके पूरे लीडर्स होते थे जो राज दरबार में वो सब मिलकर जो है वो राजा को जो है वो एड्रेस करते थे, सजेशंस देते थे, या बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे वहां पे जो राज दरबार में। तो मुझे मुझे ये है कि हमारी सोसाइटी ने क्या किया है कि जो हमारे फाइटर्स हैं मैं जिन जिनका काम सिर्फ लड़ाई करना था उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि जो इंटेलेक्चुअल्स थे हमारी सोसाइटी के उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा। मेरे हिसाब से जो इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने जिनको थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहिए था, जिनको देखना चाहिए था कि ये जो बाहर से एक आइडियोलॉजी आई है जिसको ये रिलीजन बता रहे हैं और यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी एग्जैक्टली है क्या या इनकी स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। हाँ तो एग्जैक्टली इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सिर्फ क्योंकि हमारे सोसाइटी की एक आदत बन गई है कि सिर्फ किंग के ऊपर पूरा का पूरा भांडा फोड़ दिया जाता है, तो मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। क्या उस राज दरबार में बैठे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, और मुझे नहीं समझ आता है, लोगों ने मुझे एक बार नहीं बताया, हम इस चीज का प्राउड बहुत लेते हैं कि हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग आए, हमारे यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है, हमारे यहाँ पे अलबरूनी आया, मैग्नेथीज आया, ये आया वो आया, ठीक है, वो हमारे घर में आके स्टडी करके चले गए, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल कोई नहीं देता कि हमारे यहाँ से भारत के यहाँ से कौन सा ऐसा पर्सन है जो गया बाहर भारत से और बाहर की जो सोसाइटीज है उनको स्टडी करके भारतवासियों को बताया हो। इवन इस्लामिक इन्वेजन जब हो रही थी 400-500 साल उस समय में मुझे एक इंटेलेक्चुअल बता दीजिए जिन्होंने ट्रांसलेशन की हो इस इस्लामिक इन्वेजन की जो स्क्रिप्चर्स है उनकी। सूफी तो आ रहे थे ना यहाँ पे, उनके स्क्रिप्चर्स को किसी हमारे इंटेलेक्चुअल ने ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की या समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो लोग अल्लाह के नाम पे आ रहे हैं ये एग्जैक्टली अल्लाह के नाम पे ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है,
ये बहुत बाद में हमारे लोगों ने करना शुरू किया, ये जो पूर्व पक्ष जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर मैं कल स्ट्रीम करने वाली हूँ, पूर्व पक्ष हमारी सोसाइटी में किसी ने किया ही नहीं कभी। तो सारा का सारा ब्लेम किंग पे या राजा पे या सैनिकों पे या जो जो लड़ते थे उनके ऊपर डालती नहीं, डालना जो है वो ठीक नहीं है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी कुछ नहीं किया। हम चीज जिस चीज पे प्राइड लेते हैं, लीजिए लीजिए आप प्राइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ तो बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा, मैं कह रही हूँ वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो हमारे घर आए, उन्होंने हमारे घर का पूरी स्टडी कर ली और बाद में फिर उनके ही किंग जो है वो अटैक करने आ गए। मुझे बताओ जरा, हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो बाहर क्यों नहीं गए? हमारे यहाँ तो कहा जाता था कि नहीं, शिप से जो है वो पार ही नहीं करके जाना है, हमें समुद्र पार करके नहीं जाना, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो समुद्र पार करके नहीं जाएंगे। तो ये किस तरह का, तो अपनी गलतियां भी हमें अपनी सोसाइटी को माननी पड़ेंगी। हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की बहुत बड़ी गलती थी कि उन लोगों ने ये जो आइडियोलॉजी बार बार अटैक हो कर रही थी, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, ये अब जो कुंजली मर्कज थे, इन्होंने मिल उस पर्टिकुलर राजा के आर्मी में एक स्थान प्राप्त कर लिया और उसके बाद नेवल फोर्स में स्थान प्राप्त कर लिया और जब पोर्टुगीज आए उनके साथ लड़ाई करी। अब यहां तक सुनने में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, वो तो आए और हमारी ही आर्मी में आकर उन्होंने लड़ाई की, लेकिन आगे जो है क्या किया उन लोगों ने, किस तरह से बिट्रेल किया, और ये सेम एग्जैक्ट स्टोरी अगर आप देखें तो ये 1947 में भी हुई थी। 1947 की अगर 1948 में जब कश्मीर में बिट्रेयल किस तरह से हुआ था, इसके ऊपर भी मैं स्ट्रीम कर चुकी हूँ, किस तरह से इंडियन आर्मी को के लोगों को और जो सिख रेजिमेंट थी और वहां पे जो लोग थे, ट्रेचरी हुई थी यहाँ पे जब कश्मीर उधर से कबायलियों ने और उन्होंने हमला कर दिया था, सेम चीज वहां पे भी हुई थी। इस्लाम को जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की और ना आज की जा रही है। मैं क्यों होनी चाहिए उसे हिंदी में, इसका तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि हिंदी में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे कह देते हैं कि आपको क्यों, आप अपने धर्म की बात कीजिए, आप दूसरी साइड की बात ही क्यों कर रही हैं। और कुछ लोग हैं, अगर मैं उनकी तरह कमेंट नहीं करती हूँ, अगर मैं उनकी तरह जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, तो वो मुझे आके बोल देते हैं तुम तो आईटी सेल की हो। तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, टू बी ऑनेस्ट। जिसको भी बुरा लग रहा है मेरी बात का तो लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी टू से मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, सॉरी टू से मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ। नीरज जी की अपनी विचार, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो फ्री है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि हमें एक्स मुस्लिम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा हिंदूज की प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा बैसाखी के सहारे चले हैं, और बैसाखी के सहारे जब चलोगे तो वो बैसाखी जब अगर हमें बिट्रे कर देगी तो फिर हम गिरेंगे। इससे बेटर है कि मेरा मानना ये है कि अपने साइड के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ये सब आना चाहिए। ये बैसाखी, सॉरी टू से मैं बैसाखियों का सहारा नहीं लेती हूँ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना ही पसंद है। मैं धीरे धीरे स्टडी कर रही हूँ, धीरे धीरे बात कर रही हूँ, धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे उस अंडरस्टैंडिंग पे कि हाँ, ये यहाँ के लोग बिना किसी को प्रोवोक किए, बिना किसी को इंसल्ट किए भी बात की जा सकती है, और बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज बिना इंसल्ट किए एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो प्लीज जाइए एक्स मुस्लिम के पास, और एक्स मुस्लिम जो है वो क्या क्या उनकी हरकतें हो रही हैं
उसके बारे में भी जानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी की बैसाखी पे नहीं चलती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी सोसाइटी है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा घर है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी और के उसमें नहीं जाती हूँ। ठीक है, द बिट्रेयल ऑफ कुंजली मरकज, दस द स्मृति हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद मुस्लिम ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द फॉल ऑफ चेरा पेरुमल्स अराउंड 12th सेंचुरी, बट द सीन चेंज इन कमिंग सेंचुरीज आफ्टर द डिफीट ऑफ पुर्तगीज, द कुंजली मरकज बिकम एरोगेंट, डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मलबार मुस्लिम्स, दे बिट्रेड द स्मृतीज हु अर्लियर हैड गिवन हिम स्पेशल प्रिविलेजेस जस्ट लाइक एनी अदर नायर नोबल ऑफ हिज कोर्ट, ही आल्सो चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ समथिरीज, अटैक्ट हिज सब्जेक्ट, ही आल्सो क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी किंग ऑफ मोपलास एंड एज द लॉर्ड ऑफ इंडियन सी। तो इस तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और ये एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी के साथ होगा अगर हम बैसाखियों के साथ काम करेंगे। तो बैसाखी का सहारा लेना बंद कर दें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बैसाखी के सहारे ही हम आज तक चले हैं, इसीलिए हम गिरते रहे हैं। तो मुझे मुझे किसी एक्स मुस्लिम की बैसाखी की जरूरत नहीं है। एज केरला हिस्टोरियन के वी कृष्ण अय्यर नोट्स, अब यहाँ पे जो वो एक ट्रेचरी हुई थी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं केरला हिस्टोरियन, उसको समझ लेते हैं। द इम्प्लिसिट कॉन्फिडेंस एंड द होल हार्टेड लॉयलिटी ऑफ द फॉर्मर डेज हैड बिगन ग्रेजुअली इम्पेयर्ड बाय जेलसी, फियर, अनसर्टेनिटी। फर्दर द बिहेवियर ऑफ मोपला हेयर आल्सो टेंडेड टू प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस, सक्सेस टर्न्ड हिज हेड, ही वाज इनडिस्क्रीट थ्रू टू इनफ टू स्टाइल हिमसेल्फ किंग ऑफ मूर्स एंड लॉर्ड ऑफ द इंडियन सीज, टू वेल ए शिप्स बाउंड फॉर कैलकट एंड लेवी ब्लैकमेल, ही हैड इवन द ऑडेसिटी टू कट ऑफ द टेल ऑफ वन ऑफ द एलिफेंट बिलोंगिंग टू द जैमरीन, एंड व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट ही एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय इल्ट्रेटिंग नायर हुम द किंग हैड सेंट। यानी कि किस तरह से जब पावर आई उनके पास, तो उन्होंने किस तरह से एक मतलब पावर आई उस पर्सन के पास, जब पहले स्पेशल ट्रीटमेंट ले लिया, फिर स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद जब पावर आई, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो ये जो कमेंट आया है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। किसी को मेरी बात पे जितना भी बुरा लगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी एक मुस्लिम ने किया ना ये, अब और भी करेंगे। नहीं मानना आपको, मत मानिए। मैं पिछले 1 साल से सब लोगों को जो है वो जो है वार्निंग दे रही हूँ कि ये जो आपका ओवर ऑब्सेशन हो रहा है हमारी सोसाइटी के लोगों का एक्स मुस्लिम को लेकर, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम का भी मैं वार्न कर रही थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप लोगों ने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब ये जितने भी हैं इनका भी मैं वार्निंग दे रही हूं, और इनके साथ भी वही होगा। बस तैयार रहिए एक और चांटा खाने के लिए। जिसको भी मेरी बात नहीं मानी तो ना मानिए, पर आपका वही हाल होगा जो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स ने आपके साथ किया था, वो रिपीट करेगा। दैट्स इट। तो मैं भी कुछ पढ़ती हूँ और मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो इस्लामिक माइंडसेट होता है ना, इसको या मोनोथिस्टिक माइंडसेट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, नहीं मानना, मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो मोनोथिस्टिक माइंडसेट होता है वो कभी भी प्लूरलिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता है। नहीं आपको मानना है तो आप मत मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सिर्फ वार्निंग दे सकती हूँ जो मैं वार्निंग दे रही हूँ। अनदर हिस्टोरियन सरदार के एम पनिकर ऑल्सो राइट्स अबाउट ट्रेचरी एंड एरोगेंस ऑफ मरकर इन 1595, कुंजली फोर सक्सीडेड एज चीफटेन ऑफ मरकर कोटा एट
एंड एडमायरल ऑफ जेमोरिन फ्लीट ही स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन इरेक्टिंग टावर्स हेवली आर्म्ड विद कैनन डिगिंग डीप ट्रेंचेस ही वॉज इवन मोर सक्सेसफुल अगेंस्ट पुर्तगीज दैन हिज फादर बट इन हिज सक्सेस ही बिकेम प्राउड एंड हॉटी एंड फॉरगेट हिज एलिगेंस to the Zamorins. He cut off the tail of one of the Zamorins elephant and humiliated a Nair. French navigator Francois Pyrrha de Leville write in brief about the atrocity done by Murghars. अब ये एक और reference है यहाँ पे किस तरह से Murghars ने जो है वो ट्रैचरी की थी उसको भी पढ़ लेते हैं. यानी कि ये दो हिस्टोरियन जो है इंडियन बैकग्राउंड से. अब ये जो है क्योंकि हमारे भारत में कुछ लोगों को जो है वो गोरी चमड़ी जो होती है उसकी रेफरेंसेस ज्यादा भाती हैं, तो उनके लिए गोरी चमड़ी का भी रेफरेंसेस जो है वो आपके सामने है. दिस कॉग्निली वॉज लाइकवाइज वन ऑफ द क्रूलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. His great strength and power led him to despise his neighbors, even the king of Kannur, who had formerly been his protector and suzerain, had aided him all his projects. He harried in all directions in all men's good. None could number the cruel barbarities practiced by him and his against all sort and condition of men, without distinction, among others, against his own neighbor, the Nair King Aureole, already mentioned, whom he robbed and pillaged and drove from his kingdom. He cut off the nose and breast of the prince queen, and had himself acknowledged as king. At length, puffed up with prosperity, he would no longer recognize the Samori, rebelled against him, refusing to deliver up some vessels of his subject that he had taken, and when commanded so to do, he said, "Ah, such commands are at naught." In the end, Samrithi had to make a treaty with the Portuguese and take down the last Kunjali Murghar, thus putting an end to the arrogance of Murghar and his Moplas, who the Samruti considered as close allies before. यानी कि यहाँ पे भी देख लीजिए, जिनको close allies माना उन्होंने ही जो है treachery की, या उन्होंने ही जो है इनके against जो है वो treachery की. ठीक है, तो यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो over obsession हो जाती है ना हिंदूज की किसी आउटसाइडर के लिए, तो ये ओवर ऑब्सेशन आपके अगेंस्ट ही जाएगी. मुझे और कुछ नहीं दिख, मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, मुझे तो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम के वहां भी आज तक हिंदू जा रहे हैं, मुझे तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाइए, कुछ भी करिए, आप अपने लिए डिसीजन लेने के लिए खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, माननी है मानिए, नहीं माननी है मत मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द बिट्रेयर ऑफ अर्कल मुस्लिम रूलर अगेंस्ट हिंदू ऑफ मालाबार. अब यहाँ पे देखिए, मोपला का सबसे पहला रेफरेंस जो है वो जो किंग का दिया जाता है, चेरा पेरुमल का, उसका क्लियरली एक आर्कोलॉजिकल रेफरेंस आ गया है कि टेम्पल के ऊपर डिपिक्शन की हुई है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे, बल्कि वो कैलाश में चले गए थे सेंटहुड के लिए, संन्यास ले लिया था इन्होंने. ठीक है, उसके बाद जो है वो एक और रेफरेंस दी जा रही है जहां पे मुस्लिम हिंदू यूनिटी कितनी ज्यादा थी, कि एक रेफरेंस दी गई मर्कर्स की, कि उन्होंने किस तरह से जिन लोगों ने उनको रहने के लिए जगह दी उनको ही जो है वो अटैक कर दिया. तीसरा रेफरेंस यहाँ पे आ गया है कि किस तरह से जो अर्कल मुस्लिम रूलर थे उन्होंने हिंदूज के साथ किस तरह से बिट्रे किया है. After the fall of Murghars, the Arkal Ali, Rajas of Kannur, followed the same path. Ali Rajas of Arkal were converts from line of the Hindu Kolthiri Rajas of North Malabar. There are many folklore associated with them in North Malabar. They gained royal status by association with Kolthiris, but
लेटर दे बिट्रेड द हिंदूज ऑफ मलबार एंड बिकन टू क्लेम सुपीरिटी ओवर हिंदू किंग्स बाय अलाइंग विद हैदर अली ऑफ मैसूर। तो ये दोबारा से आप देखिए, दोबारा से ये हुआ कि पहले मीठी मीठी बातें करके जो है वो सपोर्ट ले लिया, बाद में जो है वो बिट्रे कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था, और इस तरह की हिस्ट्री जो है वो आपको सब जगह मिल जाएगी। इसीलिए मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। हो सकता है कि मैं पॉलिटिकली किसी चीज को बोल रही हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरा फर्स्ट सपोर्ट जो है वो हिंदुत्व को है, सिंपल, दैट्स इट। किसी को मेरी बात समझ में आती है, वेल एंड गुड। अगर किसी को नहीं समझ आती है तो भी वेल एंड गुड। हैदर वाज नाउ विजिटेड बाय अली राजा अ मैपलेट विच इज नेशन दैट केम ओरिजिनली फ्रॉम अरेबिया एंड स्प्रेड ओवर होल कोस्ट ऑफ मालाबार। These people had monopolized all the commerce of this country by lending sums at exorbitant interest, had improvised the nayars or native nobility. At this time, the Maplets had grown rich and proud, and Ali, their countryman, having by marriage been raised to the dignity of a prince, their insolence had greatly increased, and in order to obtain more consequence, they now solicited the protection of Heather, which was readily granted as they were of the same religion. तो समझ रहे हो, यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो यही है कि जो एक एक मोनोथीस्टिक रिलीजियस पर्सन है, वो मोनोथीस्टिक रिलीजियस पर्सन के साथ ही उम्मा उनकी बनेगी, और मोनोथीस्टिक एथिस्ट है जो जो मैं बोल रही हूँ एथिस्ट, तो वो एथिज्म को मैं पूरी तरह डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ और ना ही जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन जो मोनोथीस्टिक माइंडसेट एथिस्ट है वो मोनोथिस्टिक माइंडसेट एथियस्ट के साथ ही अलाइन करेगा। प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट नहीं, यहाँ पे मैं हिंदू को बोल रही हूँ, प्लूरलिस्ट हिंदू के साथ अलाइन वो कभी नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। टू पुट एन एंड टू द एरोगेंस द स्मृतिस एंड हिज नायर फोर्सेस कन्फ्रंटेड मोपला बाय किलिंग थाउजेंड ऑफ देम एंड मेकिंग इवन मोर फ्ली फ्रॉम देयर लैंड्स। The Nayars, irritated by the arrogance and extortion of Maplets, conspired against them and on an appointed day massacred above 6,000 of these people. The rest fled in various directions. But when Heather and his son Tipu invaded Malabar, these Moplas wholeheartedly joined their forces and attacked the Hindus and destroyed their countless temples. यानी कि वो सिर्फ अपनी वेट की जो है, अपनी बारी की, अपनी टर्न की जो है वो वेट करते हैं। द एट्रोसिटीज ऑफ हैदर एंड टीपू ऑन मालाबार हिंदू इज वेल रिकॉर्डेड एंड इट नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल हेयर एज इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल। लेटर एज Three records, Tipu was defeated during his invasion of Travancore and was forced to retreat back to Mysore, where he eventually met his end. Even after the fall of Tipu and British takeover Malabar, many Mopla remained as radical fanatics. They kept attacking Hindus and trying to convert them into Islam. There were many clashes between Hindus and Moplas. Always initiated by later, these series of clashes finally lead to 1921 genocide of Malabar Hindus. इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी बुक रीड कर रही हूँ, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना तो वो उस बुक में जो है वो आप उस बुक को सुनिए और वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। Even after the fall of Tipu and British takeover Malabar, Mopla, many Mopla remained radical fanatics. They kept attack,
किंग हिंदूज, ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू इस्लाम. देर आर मेनी सच क्लैशेस बिटवीन हिंदूज एंड मोपलास, ऑलवेज इनिशिएटेड बाय लेटर. दी सीरीज ऑफ क्लैशेस फाइनली लेड टू 1921 जेनोसाइड ऑफ मलबार हिंदूज. Thousands of Hindus were killed. Several more were made to flee the region. Numerous Hindu temples were destroyed by Mobla fanatics. It is a well-recorded fact that Hindu also retaliated against their attack. Kalyet Nambiars from Eastern took out the Mobla fanatic who attacked their household. It is to be noted that Erenad was one of the most effective regions during riots of Mobla fanatic. Erenad is Mallapuram. Was the ancestral home of Shruti's Erendi Nair clan. The Smrutis paid the ultimate price for settling down the Muslim in their kingdom. Yani ki, jab unhone wahan pe settle hone diya ek particular community ko, aur uska payback jo hai unko baad mein dena pada. Kerala folklore on Muslims. Apart from recorded history, the local folklores of Kerala also narrate about Mopla troublemakers. यानी कि सिर्फ historical point of view से नहीं, अगर आप लोक गीतों को सुनेंगे उसमें भी बार बार जो मोपला ने वहां पे जो betrayal किया है और जो हिंदूज के साथ किया है उसके बारे में लोक गीतों में आपको मिल जाएगा बहुत कुछ. फोकलोर्स जो होती है उनको सुना, उसको अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी एरिया के, आपको उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिख जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लोकल फोकलोर्स ऑफ केरला आल्सो नरेट्स अबाउट मोपला ट्रबल मेकर्स. द लोकल लेजेंड रिकॉर्डेड इन अथियमाला, अ पॉपुलर कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स ऑफ कोटरथिल. Shankuni also narrates how the Muslims were troublemakers in the kingdom of Cochin. It narrates the story of Kochi king Rama Varma Shankthan Thammapuran on how he executed a Mopla who slaughtered a cow in the kingdom. Another story from same work narrates how Shankthan Tharapuram executed a Mopla who tried to sexually assault Nambuthari Brahmin lady while her husband was away. Also talk about punishment given by Shankthan Thamparum to Mopla thieves who pillaged the travelers. There are also other records of Mopla troublemakers. For instance, one Vadakkan Pattu or Ballads of North Malabar record that famous heroine Uniyachara confronted the Mopla who tried to assault her. Another ballad also record famous warrior Thacholi Uthinnan battling Moplas who disrespected Kolathiri king of North Malabar. Yani ki aapko bahut sari references jo hai wo mil jayengi. Yahan pe inhone bahut sari books ke reference de diye. Conclusion. So to conclude, history again teaches us that secularism is bane of Hindus. Kerala was not a utopia where Hindus and Muslim coexisted peacefully. There were clashes between Hindu and Muslim in Kerala from pre-colonial times, with the initiators being Moplas in almost every single instance. The treacherous Mopla betrayed the very Hindu Rajas who gave them all sorts of freedom in their kingdom, including the right to preach their religion and convert willingly Hindus, which no Muslim king were allowed to coerce in their kingdom. Yahan pe ek baat bata do, बार बार जो मैं बोल रही हूँ कि किंग को हम हमेशा अटैक कर देते हैं, किंग के ऊपर सारा का सारा बर्डन डाल देते हैं. तो मुझे बताओ वहां के जो दरबार के जो किंग के जो किंग के जो दरबार होता है, जो बेसिकली वहां पे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनमें से एक भी पर्सन नहीं है, एक भी पर्सन नहीं था जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की कि हमारे हिंदुइज्म में तो कन्वर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये कैसा कैसी आइडियोलॉजी है जो लोगों को कन्वर्ट कर रही है. हमारे यहाँ जो बर्डन है ना, मेरे हिसाब से वो इंटेलेक्चुअल पर जाता है.
नो वन कैन क्वेश्चन द डिवोशन ऑफ मलाबार किंग्स इंक्लूडिंग स्मृति टुवर्ड हिंदुइज्म दे फर्मली सपोर्टेड हिंदू टेम्पल्स रिचुअल लिटरेचर आर्ट एक्सेट्रा दे मेड मेनी ग्रांट्स टू टेम्पल प्राइसली priestly families they also took oath to protect temples cows brahmins but politically they made a big mistake by trusting the mopla fanatics allowing them to settle down and interfere in political matters let the history of kerala be reminder to modern hindu leaders let us hope that they won't make the same mistake with useless appeasements and won't let the history repeat itself again ab अपीजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जो जनरलाइजेशन करने लग जाएंगे तो ये जो है ये देखिए 1 2 3 4 ये 14 रेफरेंसेस है इसमें 14 की 14 रेफरेंसेस के ऊपर ये जो है वो आर्टिकल लिखा गया तो मैं थोड़ा सा जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके उनको थोड़ा सा रेफरेंसेस बता दूं उसके बाद में दोबारा से कंटेक्स्ट बता दो ये वीडियो मैंने क्यों की ये वीडियो मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये जो मैं बुक की एक्सट्रीम कर रही हूँ उसमें बताया गया था कि जो एक केरला का एक किंग था वो कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में और वो अरेबिया जाके प्रॉफिट मोहम्मद से मिला था और उन्होंने जो है वो केरला में पहली मस्जिद पूरे विश्व की वर्ल्ड की पहली मस्जिद बोलते हैं या फिर बोल देते हैं कि भारत की पहली जो है वो मस्जिद जो है वो बनी थी लेकिन हम मैंने जब मैं उसके बारे में रेफरेंसेस ढूंढ रही थी तो मुझे पता चला कि इस स्टोरी के बारे में जो जो एक जो चेरा किंग थे चेरा पेरुमल पेरुमल किंग थे जो केरला के उनकी एक ही स्टोरी नहीं है उनके तीन क्लेम्स चलते हैं जब जिसमें रेफरेंस सिर्फ एक ही चीज का मिलता है यानी कि एक क्लेम है कि वो बुद्धिस्ट हो गए थे वो ये, मतलब इनका तो हर ही जगह क्लेम आ जाता ना बिना रेफरेंस के इनका तो मुझे समझ ही नहीं आता दूसरा क्लेम है कि वो इस्लाम में हो गए थे अब ना तो बुद्धिज्म वाला कोई रेफरेंस मिलना मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर किसी को मिलता तो मुझे दे देना ना ही इस्लाम का कोई रेफरेंस मिलता है सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं तो इन दोनों के कोई रेफरेंस नहीं है जबकि वो हिंदू ही थे हिंदू ही रहे और उन्होंने संन्यास लेकर कैलाश की तरफ चले गए इसका एक रेफरेंस मिलता है एक टेम्पल है टेम्पल के ऊपर पूरी डिपिक्शन दी गई है उसमें पूरी स्टोरी लिखी गई है और वो जो स्टोरी लिखी गई है या डिपिक्शन है वो टेम्पल है वो 12वीं शताब्दी का है आर्कियोलॉजिकली कहा जाता है तो इसलिए मैंने ये स्ट्रीम करी थी आई होप कि आप लोगों ने दोनों साइड की बात जो है वो सुन ली है यानी कि जो मैंने बुक के रेफरेंस से बताया वो भी आपको पता चल गया लेकिन उसके अलावा जो दूसरी स्टोरी है कि वो हिंदू ही रहे वो कन्वर्ट नहीं हुए इस्लाम में वो भी मैंने आपको स्टोरी यहाँ पे बता दी और भी इस आर्टिकल में बहुत कुछ था लेकिन जो इस स्ट्रीम के कंटेक्स्ट में पहले पहले दो चार पैराग्राफ में जो है वो रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे और विद रेफरेंस है वहां पे ओके मैं ना इस कमेंट को सिर्फ विकी के लिए नहीं बोल रही हूँ विकी आप प्लीज अपने ऊपर मत लीजिएगा ये एक्चुअली बहुत सारे हिंदू जो हैं वो अपने माइंड में बना चुके हैं कि पहली बात तो जो लोग ये यूटोपिया में हैं कि कोई भी रिलीजन हो वो खत्म हो सकता है तो वो वैसा पॉसिबल नहीं है तो पहले तो अपने यूटोपिया से वापस आ जाइए रिलीजन जो एक या बिलीव सिस्टम जो है वो कभी खत्म नहीं होता रिफाइंड हो सकता है रिफॉर्म हो सकता है वो अलग बात है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता है तो जो भी ये कहीं अपने दिमाग में ये फैलेसी है जिनके उनको मैं बता दूं वो कभी खत्म नहीं हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर जो नेटिव रिलीजन्स थे जो यूरोप के अमेरिका के उनके अगर आप उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो आज भी जिंदा है आज भी जो नेटिव रिलीजन है अमेरिका के यूरोप के जिसको जिनको क्रिश्चियनिटी ने बिल्कुल खत्म कर दिया था वो आज भी अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इजिप्ट में और अरेबिया में जो रिलीजन थे वो भी खत्म हो गए हैं तो ऐसा भी नहीं है जो उस उनकी जनरेशन से आप दोबारा से अपने प्रीवियस जो रिलीजन है जो अपने नेटिव रिलीजन है उनकी तरफ लोग जा रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में भी
तो थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। तो पहला कमेंट मैं ये विकी को आंसर नहीं कर रही हूँ, ये जितने लोग ये सोचते हैं कि किसी भी रिलीजन को खत्म किया जा सकता है, ये उनको मैं रेफरेंस, उनको मैं बता रही हूँ कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम है, वो 100% खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बैनिंग में और इन चीज सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। दूसरा, जिस दिन सरकार एक्स मुस्लिम के साथ मिलकर काम करने लगेगी, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, एज अ हिंदू बोल रही हूँ, अगर आप किसी बैसाखी के थ्रू चलना चाहते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, ये चीज आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छी लग जाएगी, थोड़े टाइम के लिए आपका अपर हैंड हो जाएगा, लेकिन आप किसी और की किसी और पे के कंधे पे अगर रखकर गोली चला रहे हैं, तो वो जो कंधा है ना, वो कभी भी जा सकता है, वो कभी भी जा सकता है सिंपली। और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर आइडिया के साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करती है। ये पता नहीं किसने ये बोल दिया है, लोगों के दिमाग में डाल दिया कि गवर्नमेंट एक्स मुस्लिम के साथ मिलकर काम करेंगे, तो नहीं करने वाली है। अमेरिका में ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत से कहीं ज्यादा चल गया है, वहां पे जाके देखो कितने मुस्लिम जो है वो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट जो के मतलब इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कि वो हेट स्पीच को भी अलाउ करते हैं, वो लोग भी एक्स मुस्लिम को उस के साथ मिलके कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी फैलसी हो गई खत्म। दूसरा कमेंट, और कोई और सब कर दे, हम कुछ ना करें, बस यही। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि दूसरा और कोई करे, हम ना करें। क्यों भाई, किताब उठाकर पढ़ लो क्या, कितनी बड़ी चीज है किताब पर, और बिना अटैक किए भी बात की जा सकती है। मैं किसी को, किसी कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं करती हूँ, मैं किसी कम्युनिटी को गालियां नहीं देती हूँ यहाँ पे। सिंपली मैं रेफरेंस जो होती है वो लोगों के सामने रखती हूँ, इसीलिए आप देखिए लोग मेरे साथ बात ही नहीं करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कामली बात कर रही है, ये गालियां नहीं देती है, ये साफ साफ लफ्जों में बड़े आराम से बात करती है, ओवर रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। तो आउटरीजियस बिहेवियर जो होता है ये कुछ टाइम तक चल जाता है मेरे भाई, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है आउटरीजियस बिहेवियर। तो प्लीज ये फैलेसी से निकल जाओ कि कोई और हमारी सोसाइटी के लिए काम करे। मेरे घर में राशन खत्म है, मैं काम करूंगी या एक्स मुस्लिम काम करेगा उसके लिए? ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, और मैं ये विक्की को नहीं बोल रही हूं, प्लीज इसको पर्सनल टारगेट मत समझिएगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, मैं एक्चुअली इस आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ, और ये सिर्फ विक्की का आर्ग्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का यही आर्ग्यूमेंट आता है। पॉलिटिकल पावर्स ने ही हिंदुओं को यहाँ तक पहुंचाया दिया है, और पॉलिटिकल पावर ही हिंदुओं को उनके पूर्व पुराना गौरव लौटा सकती है। इवेंचुअली 70 ईयर्स हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का इंजेक्शन दिया गया है एचवी से। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि पॉलिटिकल पावर जरूरी है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है ना, वो उससे ज्यादा सपोर्टिव होती है। नैरेटिव पावर जो होती है वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। पॉलिटिशियंस जो है ना, वो सिर्फ आपको फ्रीडम दे सकते हैं आपने क्या बोलना है, या वो आपको फ्रीडम दे सकते हैं आप किताबें लिखिए। अल्टीमेटली काम कॉमन लोगों को ही करना पड़ेगा। विक्रम संपत जी ने जो किताबें लिखी हैं, वो बीजेपी नहीं लिखने बैठेगी, वो विक्रम संपत को ही लिखनी बैठेंगी लिखनी पड़ेंगी। ये जो मैं अपने चैनल पे बुक्स पढ़ रही हूँ ना, इसको बीजेपी का लीडर नहीं पढ़ने वाला है, इसको अल्टीमेटली मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन लेके आइए। ये जो एक सोशलिस्ट माइंडसेट है ना कि पॉलिटिकल पावर सब कुछ करेगी, इसीलिए तो कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पॉलिटिकल पावर ने हिंदू को यहां तक पहुंचा दिया। सर, आपको पता है कि आज के टाइम में, अब आपको पॉलिटिकल आंसर ही देती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात का गुस्सा लगेगा, आज के टाइम में
नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। बहुत सारे लोगों को बीजेपी से प्रॉब्लम है, मुझे पता है, मैं भी उनकी बहुत सारी पॉलिसीज से के अगेंस्ट हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है कैसे, सोचा कभी इस चीज के बारे में? और वो बीजेपी काम नहीं कर रही है, काम कोई और का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, काम कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पॉलिटिकल पावर पे सारा का सारा मलबा डाल देना ना, ये भी गलत है। हम सबके पास इतनी आज जो है वो इतनी, मैं कह रही हूं कि इतना सस्ता इंटरनेट हो गया कि हम अपनी बात जो है, हम अपनी रिसर्च जो है, जो हम अपनी रिसर्च लेवल, अपने लेवल पर जो चीजें ढूंढ सकते हैं, वो लोगों के साथ शेयर करें। जैसे मैं हूं, मुझे जो भी मिलता है मैं लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कि वीडियो देखे ना देखे, एटलीस्ट वो जो जो मैं लिंक में रेफरेंसेस डालती हूँ वो पढ़ ले। तो ये जो आपका कहना है कि पॉलिटिकल पावर से ही सब कुछ होने वाला, पॉलिटिकल पावर एक फैक्टर होता है, और भी बहुत सारे उसके अलावा फैक्टर्स होते हैं जिनको काम करना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, हम जो है अपने थॉट्स को ही जो है वो इंप्रूव करते रह जाते हैं। अरे भाई, थॉट्स की बात नहीं होती है, अपनी बात रखने का एक तरीका भी होता है। सर, डायरेक्टली कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो सपोर्ट नहीं करेगी, और बीजेपी आपको बनाने दे रही है ना, इतना ही बहुत है। अभी आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अभी बहुत सारी जो रिफॉर्म्स है वो होने बाकी हैं, और मैं ये बीजेपी को वो नहीं दे रही हूँ कि बीजेपी को मैं बिल्कुल खुला हाथ नहीं दे रही हूँ कि वो जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उनकी जो पेस है, जो उनके काम करने का, जो जो रिफॉर्म्स करने की जो पेस है, वो उतनी तेज नहीं है, उसको मैं मानती हूँ। लेकिन बात यह है कि जब फॉर्म रिफॉर्म्स होते हैं, जब अग्निपथ रिफॉर्म हुआ तो किसने जलाई ट्रेनें, ट्रेन्स किसने जलाई थी? इस चीज को मानेंगे हम या नहीं मानेंगे? बीजेपी कोई रिफॉर्म लाती है तो सबसे पहले हमारी हिंदू सोसाइटी के ही लोग खड़े हो जाते हैं उसको अपोज करने के लिए। तो सर, इसके ऊपर भी तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, सारी की सारी बात बीजेपी पे नहीं डाल सकते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री है, उन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, अब दूसरी मूवी बना रहे हैं वो, वैक्सीन, कल ही उन्होंने जो है वो किया, अगले साल 2023, 15 अगस्त 2023 में वो मूवी रिलीज होने वाली है। जो पर्सन काम करने वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं, जिनको सिर्फ कंप्लेंट करनी है वो कंप्लेंट ही करेंगे, सिंपल सी बात है। विक्रम संपत जब से बीजेपी आई है कितनी किताबें लिख चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो कितनी किताबें लिख चुके हैं। तो जिनको कंप्लेंट करनी है वो कंप्लेंट करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जयपुर डालो, कितना काम कर रहा है, कितने सारे लिटरेचर फेस्टिवल करा चुके हैं, कितना मतलब रोज उनके कोई ना कोई टॉपिक पे वो बात करते रहते हैं, अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। तो सिर्फ बीजेपी को सारा का सारा ब्लेम डाल देना भी गलत है। और हमारे लोग वोट देने में सबसे पता नहीं, नई नई हमारी साइड के जो लोग हैं वो नई नई टर्म्स निकालते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। सर, मैं ना यहाँ पे बैठकर मैं अपने चैनल पे स्क्रिप्टर्स की बात ही करती हूँ, और मैं यहाँ पे बुक रेफरेंस ही देती हूँ। फर्क ये है कि बोलने का तरीका भी होना चाहिए। मेरे साथ मे हमारे मे यहाँ पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ट्विटर स्पेसेस में मेरे साथ मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम भी आके डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी स्पेसेस में जो इंडियन मुस्लिम्स की साइड से भी लोग आके बात करते हैं। कोई किसी के ऊपर ब्लास्फेमी की चार नहीं लगाता, क्योंकि सेंसिबल बात की जा रही होती है, रिस्पेक्टफुली बात की जा रही होती है, तो बात करने का एक तरीका भी होता है। और वो जो हदी जो नुपुर शर्मा का आप केस कह रहे हो, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है,
वो एक पूरा प्री प्लान्ड वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था, उसको कॉमन लोगों पे मत अप्लाई कीजिए प्लीज। कन्हैया लाल पे आप जो बीजेपी को लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, मुझे एक बात बताओ, जब कन्हैया लाल के साथ ये हो रहा था तो वहां पे मतलब दिन में हुआ ये, वहां पे जो आसपास के जो दुकानों वाले लोग हैं वो क्या कर रहे थे? मैं नहीं कह रही हूं कि एकदम से शॉक लगा होगा इनको, लेकिन उनको वो भाग गए, वो मारकर जो जो पर्सन है वो भाग गए थे, जो क्रिमिनल्स थे वो वहां से भाग गए थे, क्योंकि किसी ने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की उनको। तो ये अपनी सोसाइटी की कमियों को भी तो नोटिस कीजिए ना, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की कमियों को ही नोटिस, मैं तो दोनों की कमियों को नोटिस करती हूँ, इसीलिए मुझे मोस्टली दोनों साइड के लोग सुनते हैं। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी स्ट्रीम देखो प्लीज, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी स्ट्रीम देखे, पॉइंट ये है कि जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ उसको पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग सुनते हैं मुझे, मैं व्यूज के लिए काम ही नहीं करती हूँ, मेरा बेसिक पर्पज होता है कि किसी तरीके से लोग जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उस चीज को पढ़ लें। ये पता, हाँ उनका रेफरेंसेस मुझे मिले नहीं है, अगर किसी को मिलते हैं प्लीज, अगर कोई नियो बुद्धिस्ट सुन रहे हैं तो प्लीज रेफरेंस दे दीजिए, केरला में वो जो किंग की बात हो रही है। सर क्रिश्चियनिटी है ना, खुद के लोग उनके अगेंस्ट है, ठीक है, तब भी क्रिश्चियनिटी आज भी फ्लरिश कर रही है, तो ये आइडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू जो है ना, ये सॉरी टू से ये गलत है, और क्रिश्चियनिटी के वो अपने लोग जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, जो क्रिश्चियनिटी के अपने लोग जो अपने फॉलोअर है वो उनपे किस लेवल का कमेंट करते हैं ना, वो कभी सुन लीजिएगा। और वहां पे क्या क्या जो पिक्चर्स चलती है ना वहां पे व्हाट्सएप पे चलती हैं, उसको भी चेक कर लीजिएगा, कहां क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई पिछले आई थिंक 300 पिछले 100 150 साल से, 100 साल से मैं, या 50 साल से मैं मैक्सिमम लगा रही हूँ, 50 साल से ये हो रहा है, क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म कुछ भी नहीं होता, रिफॉर्म हो जाती है सोसाइटी, पता नहीं कहाँ, क्यों ये आइडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू प्लीज मत लीजिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप अगर डाटा उठाएंगे वो भी ये कहता है, बिलीफ सिस्टम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है सर, कि जिसको अपनी बात जिस तरह से कहनी है और वो कर सकता है, सिंपल सी बात। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग थे, जो हमारे इंटेलेक्चुअल थे, इतने सालों तक वो सोए रहे ना, उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर उस तरफ से अटैक हो रहे थे, चलो मैं आपकी बात ही मान लेती हूँ कि उस तरफ से हिंदुइज्म पे अटैक हो रहे थे, तो हमारी साइड से कितने लोग खड़े हुए, मैं 4 5 लोग हैं जो जिनको मैंने पढ़ाया, मैं उनको पढ़ती हूँ, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आप मुझे बताइए उनको हिंदू सपोर्ट कितना मिला, नहीं मिला ना, तो कमी किस में, हमारी सोसाइटी में है या दूसरी, अपनी अपनी कम्युनिटी की कमियों को भी दूसरे के ऊपर लाद दोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो हिंदुत्व है ना उसको पढ़ने के लिए प्लीज पढ़ लीजिए। सावरकर जी को पढ़ा आपने सर? हिंदुत्व क्या है, सावरकर जी को पढ़ा, सावरकर जी के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए एक बार, आपको मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो अपने आप को हिंदुत्व बोलते हैं ना, वो लोग भी थोड़ा सा जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे सावरकर जी के कुछ कमेंट्स के ऊपर, उनका गाय के ऊपर बीफ के ऊपर उनकी क्या कहना है, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए।
ठीक है। या एग्जैक्टली, क्योंकि हम इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी है उसमें इस चीज से। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जिस दिन वो आएंगे पावर में उस दिन हमारे सबके शटर डाउन हो जाएंगे। आप फ्री हो सर मेरी कोई भी बात से डिसएग्रीमेंट करने के लिए? सिंपल सी बात है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हर पर्सन की अपनी अपना थॉट प्रोसेस होता है। और जितनी मैं मानती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दी जाए, वैसे ही जो जो सुनने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल, आपने कुछ पढ़ा होगा या कुछ देखा है उसके बाद ही बना है। तो ना ही मैं 100% सही हूँ, ना ही कोई और 100%। हम सब सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, हम सब जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जो मैंने आप आज कम्युनिटी पोस्ट भी डाला कि सोल्यूशन, हम सब लोग अलग 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 तरीके से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता नहीं है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। तो वो अलग अलग सोल्यूशन जो है वो अलग अलग पर्सन अलग अलग सोल्यूशन उसे अंडरस्टैंड कर पाता है, वो उसी हिसाब से काम करता है। मेरा यही इस तरीका है बात करने का। हिंदू हैव कांट ब्लेम बीजेपी, बीजेपी कांट डू एवरीथिंग फॉर फॉर्म्स मा ओके। लास्ट कमेंट मैंने कर लिया सर, पढ़ दिया, मैं ऊपर से ही पढ़ दिया रही थी। एग्जैक्टली 100%। ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न दैट अब्राहमिक कल्ट आइडियोलॉजी स्पेशली क्रिस्लाम हिट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिटी, बट भारत एंड भारत सिविलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट। 100% एग्री सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज कुछ हिंदूज जो हैं वो इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप, मैं ग्रुपिज्म से बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं पॉलिटिकली हिंदू हूँ। यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जो हमारे इश्यूज जो हमें एड्रेस कराने हैं, उसके लिए मैं ग्रुपिज्म, जो मेरा ग्रुप है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। पॉलिटिकली मैं पॉलिटिकल हिंदू हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे कुछ इंडिविजुअल थॉट्स प्रोसेस भी हैं और जो सुन रहे हैं उनके भी है। पर प्रॉब्लम क्या होगी है, हमारे कुछ हिंदूज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं वो सामने वाले को कॉपी करने की। और उसमें वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरों को कॉपी करने में आपका अपना एसेंस जो इंडिविजुअलिज्म वाला या हमारी सिविलाइजेशन का एसेंस है वो ही खत्म हो जाएगा। तो मैं सिर्फ उसके लिए बार बार इंडिविजुअलिज्म पे जो है वो याद दिलाती रहती है लोगों को, अपनी स्ट्रीम के जरिए या अलग अलग तरीके से, कि भैया मैं मानती हूँ कि कुछ इश्यूज में हमें ग्रुप बनकर, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ग्रुपिज्म ही है, उसमें आपको अब एक एक जो ओपोनेंट कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी ग्रुपिज्म के तरीके से बिहेव करती है। तो हम उसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमको भी ग्रुप बनकर ही वोट देनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और दूसरी बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉलिटिकली हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, रिलीजियसली मुझे नहीं लगता हमें, या धार्मिक वे से हमें जरूरी नहीं है कि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑर्गेनाइज होना पड़े। हमारी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि धार्मिक वे से भी ऑर्गेनाइज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा ही डेंजरस होगा। पॉलिटिकली आप ऑर्गेनाइज होते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पूरा विश्व है ना, जो पूरा वर्ल्ड है वो अब्राहमिक है। तो हिंदूज के लिए अगर उनको सर्वाइव करना है तो हमें पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। पॉलिटिकली हमें उस मतलब वो एक तरीके से सोचने वाला जो एक माइंडसेट होता है वो हमें रखना पड़ेगा। धार्मिकली हमें इंडिविजुअलिस्टिक ही रहना पड़ेगा, समझ रहे हो आप?
या और जब मैं इंटेलेक्चुअली भी हम प्लूरलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमें मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें एक ही अभी हमारे पास ऑप्शन है, उसी तरफ जाना पड़ेगा, सिंपल। और ये आई थिंक तथस्त ने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। आई डोंट थिंक ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, इसीलिए मैं बोलती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके आई है। मैं आपको बता रही हूँ, हिंदूज इस चीज को बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, जिस दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया हमारी सोसाइटी में, बिलीव मी पूरी की पूरी अब्राहमिक आइडियोलॉजी जो है वो बैकफुट पे हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको इन आइडियोलॉजीज की इतनी नॉलेज है कि वो लोग उन लोगों के सामने ये लोग 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी अननेसेसरी ब्लास्फेमी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आना चाह रही है। मतलब 295A को बड़े लोगों को हैरानी होगी, उसको हिंदू जो है वो डिफेंड करते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों डिफेंड करते हैं। अरे भैया, वही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। ब्लास्फेमी होना जो है ना, वो अब्राहमिक आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी है, स्पेसिफिकली इस्लाम की। क्रिश्चियनिटी ने जो ब्लास्फेमी है उसको डाइल्यूट कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली रिफॉर्म होना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बी इंडिविजुअली, एग्जैक्टली, इंडिविजुअली स्ट्रांग बनिए, तब भी आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। मुझे नहीं पता ये इसका क्या मतलब है। पूरी 3-4 जनरेशन हमारी ब्रेन वॉश की कम्युनिस्ट। हाँ, उसके बारे में सबको पता है सर। पढ़ लिया सर, मैं सारे कमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सुन जरूर पढ़ती हूँ। ओके, आई थिंक इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि ब्लास्फेमी जो है वो उनकी वीकनेस है, इसको हटाइए और फिर देखिए आप किस तरह से ये लोग जो है वो भागते हैं। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इस्लामिक आइडियोलॉजी अगर ब्लास्फेमी हट जाती है हमारी, और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी उसी तरफ जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपको ओपन करना पड़ेगा। कल की बात है जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसपे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे, वहां पे मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि यति नरसिंहानंद पर के ये कमेंट करने पे जो है वो पुलिस FIR हो गई, कंप्लेंट हो गई, पुलिस कंप्लेंट हो गई। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ, मैं तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती हूँ, तो मैं इस चीज को क्रिटिसाइज करती हूँ जो उनके ऊपर FIR हुई, क्योंकि ये इस बात में वो विक्टिम है। हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस चीज के, वो विक्टिम है जो यति नरसिंहानंद है। लेकिन उनका जो कमेंट है मेरा, उस पे क्वेश्चन था, सिंपल सी बात। लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और मतलब मुझे IT सेल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। खैर, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या कर सकते हैं, हर किसी को अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो थैंक यू, अब मैं स्ट्रीम को खत्म करती हूँ। धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े, और प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब लोग प्रश्न करते हैं ना, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो उससे क्या होता है, मेरे कुछ आइडियाज भी चैलेंज होते हैं, या मेरे कुछ थॉट्स जो होते हैं वो भी चैलेंज होते हैं। तो ये चैलेंज, अपने थॉट्स को चैलेंज करना जो होता है ना, वो अल्टीमेटली आपको रिफॉर्म करता है, अल्टीमेटली आपके इंडिविजुअलिज्म को या आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में सहायता करता है। क्योंकि आप दूसरा जो आपको चैलेंज कर रहा है, तो फिर आप खुद के आइडियाज को चैलेंज करते हो, तो अपने आइडियाज को भी खुद खुद चैलेंज किया करो। जैसे मैंने अपनी ही बुक की स्ट्रीम करी, अब उस बुक में जो रेफरेंस दी हुई है उसी को चैलेंज करने के लिए ये मैंने स्ट्रीम करी है। तो खुद के ही स्टैंड को या खुद के ही आइडियाज को चैलेंज करने की कोशिश किया करो, तभी आप जो है वो अल्टीमेटली सोल्यूशंस ला पाओगे।
जो हमारी सोसाइटी के लिए सोल्यूशन चाहिए उसमें आप जो है वो पॉजिटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।